भाई ने कमेंट किया है कि सर मेरे पिताजी के नाम पर कनेक्शन है और उस कनेक्शन को यूज करता है मेरा भाई और मैं अलग कनेक्शन ले लिया हूँ, लेकिन वो बिल नहीं भरता है। बिल जब भी आता है, रीडिंग चेक करने वाला जब भी आता है, तो वो मुझे बोलता है और मुझे पैसा भरने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में, और ऐसे ही रिलेटेड अगर आपके भी घर में है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक वीडियो की डेटा चंदन चैनल। अगर इस चैनल पर नए हैं और आपको चैनल सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, YouTube से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो चैनल पर जाइए, चैनल पर लिंक है, उस चैनल पर जाकर वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, बिजली कनेक्शन आपके पिताजी के नाम पर है, लेकिन आप भी एक कनेक्शन अलग ले चुके हो और वो पिताजी के नाम पर जो कनेक्शन है वो आपका भाई यूज कर रहा है। तो वहाँ उस केस में क्या है कि आप उसको समझाइए, अपने भाई को प्यार से समझाइए, क्योंकि अगर आप कनेक्शन बंद करवाते हैं तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ऐसे प्यार से समझाइए, और एक कनेक्शन है ही तो इसका पैसा फिर आप नया कनेक्शन लेने के लिए क्यों भरेगा। तो इसलिए आपके भाई का ही बचत होगा, और प्यार से बात करके समझा दीजिए कि भाई तो बिल भर ले और मैं अलग कनेक्शन लिया हूँ तो उसका बिल मैं भर लूंगा, मतलब प्यार से मैनेज कर लीजिए। अगर नहीं मानता है तो आपको सिंपली जो भाई बड़े भाई है, अगर आपने बड़ा है और कनेक्शन ले रखा है तो आपको ही इस कनेक्शन का भी बिल भरना पड़ेगा। अब इसलिए दोस्तों कि क्योंकि जो पिताजी के नाम पर होता है ना, उस सब पे हक होता है बड़े बेटे का, तो उस कनेक्शन पर भी हक आपका जाता है। तो लेकिन आपका छोटा भाई अगर यूज कर रहा है, वो बिजली बिल नहीं भर रहा है, तो वो आपको बिल भरना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका बिजली बिल बाकी है उस कनेक्शन का, उसको क्या करना है, आपको भर देना है। आप उसको जो है ना कंप्लीट, मतलब पूरा जो भी बाकी है बिजली बिल वो भर के और उसको बंद कर दो, डिस्कनेक्ट करवा देना, यानी बंद करवा देना है कनेक्शन को, या तो आप अपने नाम पर जो कनेक्शन लिए हैं उसको बंद करवा देना है। तो ऐसे ही होगा, नहीं तो वही होगा कि प्यार से आप उसे समझा दीजिए कि भाई तू बिल भर ले और तुम्हारा ये बिजली कनेक्शन है। अगर नहीं भरता है तो आप कनेक्शन को बंद करवा सकते हैं। और ये कनेक्शन की बात रहा बांटने की, तो कनेक्शन बांटा नहीं जाता है भाई। अगर दोनों भाई में आपसी में अगर मेल है, आपसी में प्यार है, तो एक कनेक्शन से दोनों भाई जला सकता है। अगर नहीं है तो उस कनेक्शन को एक भाई यूज कर सकता है, एक भाई नया ले सकता है। अगर चाहे दोनों भाई कि भाई इस कनेक्शन को कोई नहीं यूज कर सकता, ऐसा भी मामला आता है, तो उस बीच में क्या होगा, उस कनेक्शन को बंद कर दीजिए, बिजली बिल जो भी है उसका बाकी वो, और इसके बाद आप दोनों भाई नया नया ले लीजिए। बस यार, जहाँ 1500 खर्चा होगा वो ऐसे ही करना है। जहाँ एक कनेक्शन आपका 1500 में लिया हुआ है, उसको बंद करवा रहे हो तो बंद करवाने में भी पैसा लगता है। अब इसके बाद नया कनेक्शन दो ले रहे हो, तो अब देखिए आपका 1500 तो उधर गया ही और इधर 3000, और तो 4500 खर्चा हुआ। तो प्यार से दिमाग से काम लीजिए, एक कनेक्शन में काम निकालिए या दो कनेक्शन में, वो आपकी मर्जी। और आप इस वीडियो से जवाब पा लिए होंगे कि आपको क्या करना है। तो अगर समझ गया तो कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।